कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, फैसले की घड़ी आ गई। सेनेट की 37 नशिस्तों पर मैदान आज सजेगा। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12-12 सीटों पर उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सूबों की नशिस्तों पर MPA वोट देंगे। इस्लामाबाद की नशिस्तों पर MNA वोट कास्ट करेंगे। पंजाब में तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन की बड़े मार्के के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमले ने कौमी असेंबली और तीनों सूबाई असेंबलियों का कंट्रोल संभाल लिया। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और अली वजीर भी वोट डालेंगे। मुस्तकबिल की सियासत कैसी होगी, फैसला इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त करेगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख में आसाब शिकन मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के 181 और अपोजिशन के 160 अरकान है। अली हैदर गिलानी की वीडियो ने सियासी हलचल मचा दी। हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत सुनने के लिए अमला नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी बोले, वोट मांगना हमारा हक है, आप अपने अरकान को संभालें, भोंडे इल्जाम न लगाएं। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के बयान की तर्दीद कर दी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी अफसर के ना होने का बयान गलत है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से कंट्रोल रूम कायम है, जहां R&I ब्रांच में मुतालिका अफसरान भी मौजूद हैं। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट से ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। ऐलामिया में कहा गया, वक्त की किल्लत के बायस इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 4 हफ्तों में सिफारिशात मुरतब करेगी। पीपल्स पार्टी घर खाने असेंबली के एजाज में इशाया। मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, हमजा शहबाज की शिरकत, अमीर हैदर होती, अयाज सादिक, अली वजीर और मोहसिन दावड़ भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो का इशाइये में शिरकत पर अरकान असेंबली का शुक्रिया। सेनेट दंगल में कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दिन भर अरकाने असेंबली और इत्तेहादियों से मुलाकातें, सहराना भी दिया। कहा, चोरों के साथ मुकाबला है, उनसे हाथ कैसे मिला लूं। इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख हीना जीतेंगे। आइंदा 2.5 साल जमकर हुकूमत करेंगे, अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी ही इस्लामाबाद से जीतेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी भी पूरे एतमाद। बोले, वजीर आजम 2 दिन से पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनकी बौखलाहट वाजे है। हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद हमारे साथ राबते में है। आर्मी चीफ का शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को बॉर्डर मैनेजमेंट और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। तमाम चैलेंजेस पर काबू पाकर हासिल करदा अमन को देरपा बनाया जाएगा। फैसला चाहे खिलाफ आए पर टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। मेरे नाम पर दाग लगा है, जिसे साफ करने का मौका मिलना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में दलाइल। कहा, सहाफियों को अखबार किया जाता है, जिम्मेदारों का नाम बताऊं तो रेफरेंस आ जाएगा। लगता है पाकिस्तान में नहीं गदर में रह रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब असेंबली से इमरजेंसी सर्विसेज तरमीमी बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। बिल की मंजूरी से अब इदारे का सर्विस स्ट्रक्चर बन सकेगा। स्पीकर असेंबली का कहना है कि रेस्क्यू 1122 अब मजीद फले फूलेगा। चलते हो तो जिलानी पार्क लाहौर को चलिए, सुनते हैं कि जश्न बहारा है। मेले में पंजाब के रिवायती रंग, कहीं ढोल की थापर भंगड़े तो कहीं साग और मकई की रोटी का स्टॉल, रिवायती मिठाइयां पे तवज्जो का मरकज। बसंत पर वो काटा और वो भी गवादर के साहिल पर।
गवादर में दो रोजा कल्चरल बलोच फेस्टिवल, बड़े बूढ़े सभी समंदर किनारे पेच लड़ाते रहे। और बलोच सकाफत के रंग हर सू बिखर गए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बलोच कल्चर डे मनाया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियों का इनेकाद, बच्चों ने खूबसूरत टैबलेट पेश किए, मिली नखों से माहौल गरमा दिया।